हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएमसीटी और दिल्ली की वर्कशीट 41 करेंगे। 21 दिसंबर की साइंस की क्लास 8 की रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो टुडे वी विल लर्न अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो द टाइप ऑफ अ रिप्रोडक्शन, एक ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक, इसमें कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन की मिक्सिंग नहीं होती। इसके एग्जांपल है बडिंग इन हाइड्रा एंड ईस्ट एंड बाइनरी फ्यूजन इन अबीबा। तो बडिंग इन हाइड्रा, तो अ बर्ड स्टार्ट एज अ बल्ज ऑन द पेरेंट बॉडी। तो जो बर्ड है एक बल्ज के रूप में ऐसे ऐसे के रूप इस तरह से कुछ बाल टाइप के रूप में उगने शुरू होते हैं। एज दिस बर्ड डेवलप्ड एंड ग्रोस, जब ये बर्ड डेवलप होता रहता है और ग्रो होता रहता है तो ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है कुछ इस तरह से। देन इन सम ऑर्गेनिज्म बर्ड रिमेन्स अटैच टू द पेरेंट बॉडी, और फिर ये कुछ समय तक पेरेंट बॉडी के संग अटैच रहता है। फाइनली इट डिटैच, और फिर क्या होता है, डिटैच्ड हो जाता है पेरेंट बॉडी से और डेवलप हो जाता है कंप्लीट मैच्योर इंडिविजुअल हाइड्रा में। तो सिंस न्यू इंडिविजुअल इज डेवलप्ड, और इसमें न्यू इंडिविजुअल पैदा हो जाता है। तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, इस तरह के रिप्रोडक्शन जिसमें रिप्रोडक्शन हमारा बर्ड से हो उसको कहते हैं बडिंग। अब बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, तो अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, बिगेन इट्स रिप्रोडक्शन बाय डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस, जिसकी रिप्रोडक्शन उसके न्यूक्लियस की डेवलपमेंट से होती है एक न्यू टू निकलाई में। दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और ये जो है इसमें साइटोप्लाज्म की बॉडी, न्यूक्लियस की बॉडी सब बढ़ती है, डिवाइड होती है, और ये जो है इसमें न्यूक्लियस आता है। तो फाइनली टू डॉटर अमीबा जो है एक पेरेंट अमीबा से फॉर्म होती है। तो दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एनिमल रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल, इसको कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। अब क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन, डिफाइन बडिंग एंड बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन द डिवीजन ऑफ द सेल्स इनटू डॉटर सेल इज नोन एज बाइनरी फ्यूजन। बडिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बर्ड फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बडिंग। गिव एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर बडिंग एंड बाइनरी फ्यूजन कैन बी सीन। तो बडिंग एंड बाइनरी फ्यूजन ये जो है ये आर टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स है। ऑब्जर्व्ड इन लोअर ऑर्गेनिज्म, जो कि छोटे छोटे एनिमल्स में दिखते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआस। अब आगे, व्हाई इज द न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस करती है ऑफ स्प्रिंग दैट आर जेनेटिकली इंडिटिकल, जो कि बिल्कुल पेरेंट जैसे दिखते हैं, क्योंकि ये जो एक क्लोन्स होते हैं एक ओरिजिनल पेरेंट के। अ सिंगल इंडिविजुअल कैन प्रोड्यूस कर सकता है ऑफ स्प्रिंग्स को एसेक्सुअली, अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स कैन बी प्रोड्यूस। फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। अमीबा में बाइनरी फ्यूजन बताए। तो इन अमीबा द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट और डिवाइड टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। The unicellular organism called amoeba reproduces by the method of binary fission. Amoeba reproduces by binary fusion by dividing its body into two parts. That a daughter amoeba produces by the process are identical to the parent amoeba. इस तरह से आप लिखेंगे और इस तरह से एक डायग्राम बनाएंगे। अब आगे एक्सप्लेन करनी है रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा विद द डायग्राम। तो इन हाइड्रा फर्स्ट स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बर्ड इज फॉर्मड ऑन द साइड ऑफ द बॉडी रिपीटेड मायोटिक डिवीजन ऑफ इट सेल। दिस बर्ड ग्रोज ग्रेजुअली टू फॉर्म अ स्मॉल हाइड्रा बाय डेवलपिंग अ माउथ एंड टेंटिकल्स। फाइनली दिस न्यू हाइड्रा डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड लिव्स अ सेपरेट ऑर्गेनिज्म। इस तरह से आप लिखेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी सभी वर्कशीट प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें और कंप्लीट करें। बाय एवरी